दोस्तों कल ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका लगा है, 5G इसका डिले हो सकता है, क्योंकि जो सबसे बड़े गियर मैन्युफैक्चरर से 5G सप्लायर से दोस्तों यहाँ पे नोकिया एरिक्सन, इन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए, बोला पहले पैसा दो उसके बाद ही हम यहाँ पे आपको 5G गियर देंगे, उधारी का धंधा नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों अब बात निकल गई कि यहाँ पे चाइनीज कंपनी ZTE को सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया यहाँ पे सप्लाई के लिए। तो क्या दोस्तों यहाँ पे नोकिया एरिक्सन की जो भरपाई है क्या वो ZTE करेगा, एक चाइनीज कंपनी के साथ दोस्तों वोडाफोन आइडिया जाएगा उसका 5G आएगा। इस चीज की इस न्यूज को दोस्तों डिटेल में पड़ताल करेंगे, इसके अंदरूनी खबरों को यहां पे बात करेंगे इस वीडियो में, प्लीज बने रहे वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो जैसे कि दोस्तों ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नोकिया और दोस्तों यहाँ पे एरिक्सन ने क्लियर बोल दिया कि क्रेडिट पे दोस्तों यस, अब आपको माल चाहिए तो एडवांस पैसा देना पड़ेगा, तब जाके हम आपको 5G गियर्स देंगे, तब जाके आपका जो 5G है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास आ सकेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों VI जो है फिलहाल यहाँ पे ओपन रेंज में मैवनीर के साथ काम कर रहा है, उससे बात कर रहा है दोस्तों कि कुछ हो जाए, उसके साथ साथ यहाँ पे सैमसंग के साथ भी बात कर रहा है। बैक एंड में दोस्तों सारी चीज़ें चल रही है कि जल्द से जल्द 5G लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बात निकल कर रही कि यहाँ पे ZTE के साथ काम कर सकता है, ZTE दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क सप्लाई कर सकता है। लेकिन ये न्यूज़ जो है दोस्तों थोड़ी सी अलग है, बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क एक्सटेंशन के लिए दोस्तों यहां पे दिया गया, जो पुराना दोस्तों इनका हार्डवेयर है ना उसको ही एक्सपांड करने के लिए, नया हार्डवेयर परचेस नहीं किया जाएगा, सरकार ने ग्रीन सिग्नल तो दे दिया है। देख सकते हैं ZTE रिसीव्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लीयरेंस टू सप्लाई गियर टू वोडाफोन आइडिया, क्योंकि बता दूं दोस्तों ट्रस्टेड वेंडर्स की लिस्ट में ZTE और Huawei नहीं आते, उसमें नोकिया एरिक्सन सैमसंग सब आ जाते हैं, ट्रस्टेड वेंडर्स की लिस्ट है दोस्तों सरकार की, जिनसे आप आंख बंद करके गियर्स परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से अगर कोई कंपनी हो जैसे ZTE हो गया Huawei, तो आपको सरकार की एक कमेटी उनसे पूछना पड़ता कि इनसे माल ले सके, और ज्यादातर सरकार इसको अलाउ नहीं करती। लेकिन अब दोस्तों यहां पे सिक्योरिटी के क्लीयरेंस मिल चुका है ZTE को, देख सकते हैं ZTE टू प्रोवाइड ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स वर्थ ₹200 करोड़ टू वोडाफोन आइडिया फॉर द नेटवर्क अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। दोस्तों यह ZTE जो होगा 200 करोड़ के दोस्तों यहां पे जो ऑप्टिकल ट्रांसमिशन जो होगा दोस्तों इक्विपमेंट वो प्रोवाइड करेगा वोडाफोन आइडिया को नेटवर्क अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए, जो नेटवर्क ऑलरेडी चल रहा है ना इसको अपग्रेड करने के लिए। ZTE एज वेल एज चाइनीज Huawei हैव आल्सो सबमिटेड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी दोस्तों यहाँ पे NSCS से दोस्तों यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। इसमें ZTE को क्लियरेंस मिल चुका है, ट्रस्टेड सोर्स में दोस्तों यहाँ पे मिल चुका है, जहाँ पे ZTE जो होगा सप्लाई कर सकेगा टेलीकॉम यहाँ पे। लेकिन ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, बता दूँ ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपग्रेड करना चल रहा है यहाँ पे दोस्तों। यस VI डील विद ZTE फ्रॉम NSCM आफ्टर इंडियन टेलीकॉम हैज डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई इट्स इन एक्सपेंशन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट दोस्तों। यस एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो है दोस्तों उसको सिर्फ एक्सपांड और अपग्रेड करने के लिए ही यहाँ पे मिला है, नया हार्डवेयर परचेस करने के लिए कोई यहाँ पे ZTE को परमिशन सरकार ने नहीं दी, जो एग्जिस्टिंग इसका हार्डवेयर है उसको अपग्रेड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे चीज़ है। तो 200 करोड़ का दोस्तों कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जो यहाँ पे ZTE को दिया जाए, जहाँ पे ZTE को यहाँ पे परमिशन यहाँ पे मिल चुकी है। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ कहाँ पे अपग्रेड होगा दोस्तों, ये नेटवर्क अपग्रेडेशन यहाँ पे होगा गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ MPCG, ये चार सर्कल ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे VI अपने नेटवर्क को अपग्रेड करेगा, जहाँ पे ZTE से दोस्तों मदद ली जाएगी। बाला की बात करी जाए तो बड़े लेवल पे हार्डवेयर परचेस करने की बात यहाँ पे नहीं चल रही, खास करके 5G गियर्स नहीं होने वाले इसके, 5G के लिए दोस्तों VI को नोकिया और सैमसंग पे ही, नोकिया और एरिक्सन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, या फिर सैमसंग से बात करनी पड़ेगी, या फिर दोस्तों मैवनीर के साथ ओपन रेन टेक्नोलॉजी के साथ कुछ करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी फंडिंग का जुगाड़ यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे एरिक्सन और नोकिया जो है थोड़े बोलते हैं कि थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे VI के साथ आने वाले कुछ दिनों के अंदर, और वहाँ पे जाके बहुत जल्दी वो कुछ ईजी टर्म्स बीच का रास्ता निकालेंगे, जिससे हार्डवेयर भी सप्लाई हो जाए VI को, और VI अपना 5G भी लॉन्च कर सके, थोड़ा थोड़ा करके पैसा भी चुका दे। तो फिलहाल दोस्तों VI 5G पे बड़ी खबर निकल गई थी, यहाँ पे VI 5G के लिए ZTE को परमिशन नहीं मिली, ZTE सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेट के अंदर पुराने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए दोस्तों सहायता करेगा, 5G गियर्स चाइनीज कंपनीज को नहीं दे सकती, चाइनीज कंपनीज नहीं काम कर सकती भारत में, सिर्फ नोकिया एरिक्सन और दोस्तों सैमसंग जैसी कंपनी ही VI की डूबती हुई नैया को बचा सकती, जो बहुत जल्दी VI अपने 5G को लॉन्च करता हुआ नजर आएगा। वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा थम्स अप जो दे आपके भाई का चैनल, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ, डिफेंस चलेगा, पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंचे तो दबा दीजिए, इसके पास देखिएगा घंटे का बटन, उसको जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज उस घंटे के बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ।